सवाल देखते हैं। वो कहता है यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। कभी आप सवाल में फंस जाएं तो सवाल की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है ना वो साइड में निकाल लिया करें। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है, कंपनी कौन सी है, लिस्टेड। कंपनी का ईयर एंड क्या है, कंपनी ने अपने अकाउंट्स कब तक देने हैं, वन मंथ में अकाउंट्स इशू करने हैं, तो ऑडिट कितने टाइम में कंप्लीट करना पड़ेगा हमें, मंथ के अंदर अंदर ही, या अगर मैं कहूँ दो हफ्ते, क्योंकि एजीएम भी होनी है, अप्रूव भी होने हैं, वहाँ भी टाइम चाहिए होगा, तो लेट्स से 20 डेज, लेट्स से। अच्छा, टाइम पीरियड इज लेस देन वन मंथ, क्या हम पहले यहाँ पे आ चुके हैं? नहीं, हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे। मगर क्या ये कंपनी का फर्स्ट ऑडिट है? नहीं, हमारे लिए फर्स्ट है उस कंपनी का। कंपनी ने स्ट्रिक्ट डेडलाइंस लगाई हुई है फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, और कंपनी ने एक और पंगा भी किया है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है। वो कहता है कि ये कंपनी है, ये सिनेरियो है, आपने इसको ऑडिट करना है, बताइए एंगेजमेंट लेटर के अंदर आप कौन सी बातें ऐड करेंगे अलोंग विद द जस्टिफिकेशन। आपके पास ये कंटेंट्स तो होंगे, जरा खोलिए। नॉर्मल ऑडिट कितने टाइम में होता है? 2 से 3 महीने, 3 सवा 3, 3.5 महीनों में हो रहा होता है, 2 तो खैर बहुत ही कम है, 2.5 से 3.5 महीनों के बीच में हो रहा होता है। और क्या उसमें भी हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस देकर आते हैं? क्या देते हैं? इसका टाइम पीरियड क्या है? 1 मंथ से भी कम, तकरीबन 20 दिन, 2 हफ्ते। तो पहला पॉइंट तो लाजमी डालना पड़ेगा आपको, क्या लिखा हुआ है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑडिट में होती हैं, और आप हमें कम से कम टाइम दे रहे हैं, बहुत चांसेस है कि बहुत सारी बातें डिटेक्ट होने से रह जाएं। फिर कंपनी ने कहा कि ये आपका पहला ऑडिट है, तो हमसे पहले भी कोई भाई होगा, उसका नाम क्या होता है, प्रीडिसेसर ऑडिटर, उससे लाजमी आपको पूछना पड़ेगा कि भाई इस कंपनी का क्या मामला था, क्योंकि आपके पास डिस्पोजेबल टाइम बहुत कम है, उसकी हेल्प आपको लाजमी चाहिए होगी। तो एडिशनल पॉइंट्स में आप ये लिखेंगे, मगर आपको पॉइंट बताऊं तो ये बनेगा, यस, फोर्थ लास्ट, अदर भी और इंटरनल भी। फिर इन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, एक्सपर्ट, अभी आप लोगों ने खैर नहीं पढ़ा, नेक्स्ट वीक में आप लोग पढ़ रहे होंगे ऑडिटर्स एक्सपर्ट चैप्टर 12 आईएसए 620। हमें एक्सपर्ट की मदद हासिल करनी पड़ेगी इस अकाउंटिंग को वेरीफाई करने के लिए जो उसने चेंजेस बनाई है हमारे लिए। फिर टाइम अगर कम है तो हमें उनकी मैनेजमेंट से भी ज़्यादा अच्छी वाली सपोर्ट चाहिए होगी, तो आप ये लिखेंगे कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली अवेलेबल हों, मैनेजमेंट हमारा साथ प्रॉपर दे, और हमें हर चीज़ रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल कराए। तो अगर आपको एडिशनल बातें कुछ कुछ भी अगर याद होती हैं और आपको मैनेजमेंट की जिम्मेदारियाँ याद होती हैं, तो कम से कम आप वो वाली बातें लिख के भी इसमें से 2 से 3 नंबर निकाल सकते थे, इंक्लूसिव ऑफ द पॉइंट कि आपका फर्स्ट टाइम है और आपको पुराने ऑडिटर से, और अगर कंपनी में कोई इंटरनल ऑडिटर मौजूद है तो उसकी भी गाइडेंस आपको चाहिए होगी। क्वेश्चन में तो है, बट आपने तो बताना ना कि चूंकि ये है इसलिए है तो हम ये करेंगे, अदरवाइज ना करते। चूंकि हमारे पास कम टाइम है तो हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ना लेते, अगर हमारे पास वो होता 2.5 से 3 महीने का टाइम होता। डन, परेशान तो नहीं होगा।